और किसी ना किसी बहाने वो मंडल में अपना हस्तक्षेप करते थे। एक वो अगर ये मान के चल रहे हैं आप राजनीति में आ रही है तो किसी को भी का अधिकार नहीं है कि उसके बारे में आप कुछ भी बातें करें। हल्द्वानी में भाजपा में आखिरकार आक्रोश का बम फट ही गया। मंगलवार को हल्द्वानी उत्तरी मंडल के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने के बाद पत्रकार वार्ता कर डाली। इससे यहां पार्टी अनुशासन को झटका तो लगा तो एकजुटता के दावे करने वाले नेताओं की हवा निकल गई। उत्तरी मंडल के मंडलाध्यक्ष नवीन पंत ने बीजेपी के जिला महामंत्री प्रदीप जनौटी पर मानसिक तौर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिला महामंत्री समय समय पर मानसिक तौर पर कई माध्यमों से उन्हें नीचा दिखाने का कार्य कर रहे थे। इसको लेकर जब पार्टी के जिला अध्यक्ष मेयर से लेकर शीर्ष पदाधिकारियों से शिकायत की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उन लोगों को पदों से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो भाजपा के समर्पित सिपाही हैं, पार्टी से उन लोगों को कोई शिकायत नहीं है, वे चुनाव में भाजपा के लिए पूरे मन से काम करेंगे। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं भाजपा के नेता नवीन पंत और दीप्ति चुफाल। जब मंडल अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में मंडल में अनाधिकृत दूसरे के द्वारा किसी ना किसी बहाने हस्तक्षेप और कहीं डिस्टर्ब किया जाता है तो उसका गुटबाजी पैदा कराई जाती है तो व्यक्ति क्या करेगा। आज बहुत लंबे समय से जिला महामंत्री प्रदीप जनौटी जी द्वारा बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से मतलब उनको सिर्फ मंडल के रूप में उत्तरी मंडल दिखाई देता था और किसी ना किसी बहाने वो मंडल में अपना हस्तक्षेप करते थे और उन्होंने बहुत यही कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा परेशान मंडल के पदाधिकारियों को कर रखा था और अपने को स्वयं को एक जिलाध्यक्ष के रूप में कि मैं आगे भविष्य का होने वाला जिलाध्यक्ष हूँ और जिलाध्यक्ष तो चुनाव की तैयारी में लगे हैं, जिलाध्यक्ष का चार्ज भी मेरे पास है, ऐसा दर्शाते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं पे एक अनाधिकृत एक जोर बना रखा था। सर साहब के विषय में मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी मीटिंग करी बताना चाहिए, यही कहेंगे कि वो अगर हमारे मंडल में कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी हमें सूचना तो होनी चाहिए। एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी, मुझे सबसे सर्वप्रथम तो जो हमारे जिला महामंत्री जी ने बोला कि जो चाय की जो बैठक थी वो मेरे समझ में नहीं आई। दूसरा ये कि हम किसी भी प्रकार का हम किसी भी अगर कोई महिला कार्य में आती है या एक वो अगर ये मान के चल रहे हैं आप राजनीति में आ रही है तो किसी को भी का अधिकार नहीं है कि उसके बारे में आप कुछ भी बातें करें, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो कोई महिला ही कहे या पुरुष ही कहे, ठीक है। मेरा इस्तीफा देने का मेन कारण ये था कि सर मैं दबाव में आकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहूँगी। मैं एक महीने से परेशान थी, एक महीने से जो मेरे पे मेरे को कहा गया था कि एक तो चाय वाली वार्ता मैंने आप लोगों को बता दी, दूसरा है कि मेरे जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में मैं किसी का भी इंटरफेयर सहन नहीं करूँगी। सर ये ऊपर से ही था हमारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज जी, नहीं नहीं ये ऊपर से सर कई लोगों का दबाव था, मैं उस विषय में आपसे कुछ कहना नहीं चाहूँ जी। महामंत्री ने जो चाय का विषय था उन्होंने बोला कि चाय पे वार्ता वो आज तक हमारे समझ में नहीं आई, मेरी महिला ये महामंत्री जी भी मेरे साथ थी तो क्या बोलते हैं मैं बिल्कुल उस बात को समझ नहीं पाई सर, उनकी जो चाय की वार्ता थी मैं आज तक भी उस बात को समझ नहीं पाई हूँ।